होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैं निशा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में, आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और गाइज, ये है मेरी भांजी, ये अभी क्लास 7th में पढ़ते हैं, यहीं पे कोरड़ का स्कूल है, बगल में ही है, तो ये यहाँ पे पढ़ते हैं। और अभी इनकी छुट्टी हो रखी है, इंटरवल नहीं मतलब छुट्टी ही हो गई है, घर पर आ गई है, खाना खा लिया और ये खाना खा के सीधे मेरे रूम में घुस जाती है। क्यों पता नहीं क्या है, जाने। अच्छा मानती हो? नहीं तो क्यों घुसती हो? क्या पूछो इनसे क्यों आते हैं, कमेंट में जरूर बताना ये क्यों आती होगी। देखो अच्छा लगता है। हाय बोल। हाय, अच्छा लगता है ना? इनको अच्छा लगता है मेरे रूम में आना, मतलब जो भी है ठीक है, अच्छी है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो मैं निशा मेहरा आ गई हूँ घास काटने। तो देखो अभी बारिश का मौसम हो रखा था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से। और अब हम जा रहे हैं घास काटने। तो ये है चलाई का खेत, गोभी का खेत, देखो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो हवा, देखो सर कितना मस्त लग रहा है ना यार। सच में कहते हैं ना वो पहाड़ में स्वर्ग, स्वर्ग के दर्शन हो जाते हैं, वैसी ही है सच में। देखो सामने कितना मस्त लग रहा है यार, सो ब्यूटीफुल, इतनी ठंडी हवा, मतलब कुछ कह नहीं सकते, मैं खुद कोई शब्द नहीं है मेरे पास तारीफ करने के लिए, इतना अच्छा है। देख सकते हैं आप लोग बेतालघाट जाने को, ये देखिए वो नीचे है, ये देखिए अभी तो और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इतनी ठंडी, इतनी मस्त हवा चल रही है ना। शहर में क्या होता है, लोग एसी कूलर वगैरह मतलब कितनी चीज़ यूज़ करते हैं, पहाड़ों में तो ये चीज़ों का कोई कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब इन चीज़ों को कोई नहीं पूछता, क्योंकि यहाँ पे अपनी पहाड़ की पेड़ों की शुद्ध हवाएं मिलती हैं, तो फिर क्या एसी क्या कूलर हैं। और फ्रेंड ये है हमारे कोरड़ गांव का भूमिया ही है शायद, मैं कन्फ्यूज ना, हाँ भूमिया ही है, भूमिया मंदिर है। और ये यहाँ से नीचे को देख रहे हैं आपको मंदिर, वो पीछे वाले साइड को। और देखो बादल छाए हुए हैं, ये देखिए फ्रेंड कितना मस्त लग रहा है हमारा प्यारा प्यारा पहाड़। तो फ्रेंड मैं तो पहुंच गई हूँ घास काटने की जगह पे, और दिखाती हूँ आपको पीछे का, पीछे का सबसे पहले तो ये दिखाती हूँ, मैंने यहाँ से काटी है घास। और वो देखो वो नीचे साइड रतौड़ा है, दिख रहा होगा नीचे वहाँ रतौड़ा है, वहाँ पे क्रेशर भी है। और देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही मस्त नज़ारा है, और इतनी सुंदर सुंदर मतलब सुंदर की इतनी ठंडी हवा आ रही है, बहुत ही मस्त। तो बने रहें ब्लॉग पे और इन्जॉय करें। तो देखें हमारे पहाड़ों का नज़ारा कितने खूबसूरत हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में अपनी घास बना के आपको, तो तब तक बने रहें ब्लॉग पर और इन्जॉय करें, देखें कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग आपको। और प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को यार, प्लीज़ तभी मैं आगे बढ़ पाऊँ। बना ली है और मैं आधे रास्ते में पहुँच भी गई हूँ, तो मैं दिखाती हूँ, अंधेरा भी हो चुका है और घर को जाते हैं। फ्रेंड मैं पहुंच गई थी घर पे और मैंने सब्जी चढ़ा दी है, आटा गूंद दिया है, रोटी बनाने के लिए तैयार हूँ। और आप देख सकते हैं ये मेरा किचन है, तो अब मैं रोटी बनाने के लिए तैयार हूँ, तो चलो बनाते हैं रोटी, आइए आप भी खा जाना। सो फ्रेंड खाना हमने खा लिया है और हम आ गए हैं अपने कमरे में, तो इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।